इस वक्त एक और बड़ी खबर जरा बता दें, शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। यानी शरद पवार को बड़ा झटका, अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, अजीत पवार गुट के पास नाम और चिन्ह रहेगा। यानी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है और जो नाम है पार्टी का, वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जरा बता दें, शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। यानी शरद पवार को बड़ा झटका, अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, अजीत पवार गुट के पास नाम और चिन्ह रहेगा। यानी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है और जो नाम है पार्टी का, वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जरा बता दें, शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। यानी शरद पवार को बड़ा झटका, अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, अजीत पवार गुट के पास नाम और चिन्ह रहेगा। यानी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है और जो नाम है पार्टी का, वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जरा बता दें, शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। यानी शरद पवार को बड़ा झटका, अजीत पवार गुठी असली एनसीपी, अजीत पवार गुट के पास नाम और चिन्ह रहेगा। यानी एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है और जो नाम है पार्टी का, वो अजीत पवार गुट के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं।